नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है, आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की खास खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद किसान अपने खेतों में पराली जलाने से हिचक नहीं रहे हैं। प्रशासनिक अमले की सुस्ती किसानों के हौसलों को और भी ज्यादा बढ़ा रही है। कौशाम्बी जिले के तीनों तहसीलों में किसान अपने खेतों में पराली जला रहे हैं। कहीं दिन में तो कहीं रात में पराली जलाकर वायु को प्रदूषित किया जा रहा है। वहीं अधिकारियों का दावा कि पराली न जलाने के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है। इसके बाद पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। बढ़ते वायु प्रदूषण से चिंतित होकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि खेतों में पराली जलाने पर रोक लगाई जाए, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कमी देखने को नहीं मिली। हाँ, जो आजकल धान कटने के बाद जो भूसी बचती है पराली के तौर पर, उसको जलाना नहीं चाहिए। उसको आप जानवरों के लिए यूज कर लीजिए या उसी खेत में ही डाल दीजिए, खाद बन जाए। उसको जलाने के बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं जो हम आज के ज़माने में झेल रहे हैं। इसे धुंध बन जाते हैं, स्मॉग बन जाता है, जो कि सांस के रोगों के लिए बहुत खतरनाक है। हरदोई के लोनार कोतवाली क्षेत्र के बावन शारदा नहर और सराय के मध्य पटरी पर एक करीब 32 वर्षीय युवक का शव पड़ा मिला, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर बावन चौकी प्रभारी संजय शर्मा, प्रभारी निरीक्षक लोनार राजेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। युवक की गला कसकर हत्या की गई और सर पर चोट के निशान भी है। अंदेशा जताया जा रहा है कि युवक को फोन करके बुलाया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल युवक की हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग की चर्चाएं भी हैं। थाना लोनार क्षेत्र में जो नहर बहती है, इसके किनारे एक व्यक्ति की सुबह जो है डेड बॉडी मिली थी, जिसका कि जो है जो उसके जेब में आइडेंटिफिकेशन कार्ड था, तो उसके हिसाब से उसको जो है पहचाना गया कि शिवनंदन सिंह है। थाना सांडी का मूल रहने वाला था और यही शहर हरदोई में ही रह रहा था। सूचना ये हमारे गांव में प्रधान के द्वारा में सूचना दी गई कि आपके गांव का लड़का जो है वो इस समय बावन नहर पे पड़ा हुआ है। तो हम लोग को जानकारी नहीं हो पाई, हम लोग तो लड़का तो था ही यहाँ पे, तो नाम पूछने लगे, तो उसका नाम बताया गया, शिवनंदन जगनंदन जो भी पूछ रहे थे। तो हमने हाँ आधार कार्ड तो अपना लेकर गया है, वो आधार कार्ड लेकर आया, फिर हम लोगों को जानकारी भी जानकारी करते हम लोग नहर पे पहुंचे। लेकिन इससे पहले मामला ये था कि वो उसके बाद फ़ोन आया था शाम को 8:30 बजे के आसपास, उसका फ़ोन आया वो मेज़बान ढाबा पे गया, उसके बाद वो 10 मिनट बाद वापस आ गया। आने के बाद वो फिर गया है, उसके बाद 10 बजे बाद उसके बाद फ़ोन आया फिर लड़के का दोबारा, तो मेज़बान ढाबा 10 बजे गया है, तो उसके बाद वो वापस नहीं आया। यूपी बिहार राज्य में मनाए जाने वाले महापर्व छठ का समापन हो गया। व्रती महिलाओं ने उगते हुए सूरज की पहली छठा को अर्घ देकर पूजा की समाप्ति की। हजारों परिवार छठ घाट पहुंचे और अपनी मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना की। बलिया जिले में कई जगहों पर लोगों ने छठ पूजा की। आपको बता दें कि पूर्वांचल से शुरू होकर ये पर्व अब धीरे धीरे पूरे देश में मनाया जाने लगा है। इसका बहुत मान्यता है, छठ पूजा सभी लोग करते हैं, सभी लोग करते हैं, हम लोग 3 दिन से करते हैं, हम लोग 15 साल से कर रहे हैं। यूपी के कौशाम्बी में डेंगू बुखार से लोगों की अकाल ही मौत हो रही है। जिले के एक गांव में बीमारी की चपेट में आ जाने से एक किशोरी समेत 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग बुखार की चपेट में आ गए। 2 मौतों के बाद हरकत में आए स्वास्थ्य महकमे ने गांव में टीमें भेजकर लोगों का इलाज करवाना शुरू कर दिया। मुरदगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कई गांव में डेंगू बुखार से लोगों में दहशत है। डेंगू बुखार से 2 लोगों की मौत से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। 10-12 दिन से बीमार था, वे मुरदगंज से इलाज हो रहा था, कल लेके चले गए इलाहाबाद, सीरियस था ज्यादा। देश के बाकी हिस्सों की तरह उत्तर प्रदेश के बलिया में भी देश की खुशहाली के लिए छठ पूजा जात धर्म से ऊपर उठकर मनाई गई। किन्नरों ने देश में अमन चैन और अयोध्या में राम मंदिर बनवाने को लेकर छठ पूजा का व्रत रखा। किन्नरों ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के लिए वो लोग व्रत रख रहे हैं। व्रत करने का उद्देश्य ये है कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहे, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आने वाले हैं, वो आ जाए और राम मंदिर बन जाए। और इसके साथ मेरा जो जजमान है, मेरा दाता है, उन लोग के लड़का ही मेरा लड़का है, वो लड़का लोग अच्छे रहे, बने रहे। छठ मैया से निवेदन है कि उन लोग के बना के रखिए, जिसका नौकरी है नौकरी दे दे, जिसका कमाई है तरक्की नहीं तरक्की हो, जिसका बाल बच्चा नहीं है उसका बाल बच्चा दे दो, और अयोध्या में राम मंदिर बन के रहे। रायबरेली में भी छठ पूजा बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। यहाँ पर राजघाट पर छठ पूजा का नजारा कुछ अद्भुत ही देखने को मिला। रायबरेली में छठ पूजा के आखिरी दिन उगते हुए सूरज को अर्घ्य देकर 3 दिनों से चले आ रहे छठ महापर्व का व्रत के साथ समापन हुआ। छठ पूजा का सबसे बड़ा पर्व होता है, ये बेटों के त्यौहार है, इसके बच्चे नहीं होते। ये छठ मैया से माने तो छठ मैया उनकी पूरी करते मनोकामनाएं, जो भी मन्नत होती है छठ मैया से मांगने पे, इतना बड़ा पर्व है कि माता रानी तुरंत पूरा करती है। रायबरेली जिले की महाराजगंज कोतवाली पुलिस ने घर में छापेमारी कर न सिर्फ नकली नोट छापते हुए 3 युवकों को रंगे हाथों पकड़ लिया,
बल्कि भारी मात्रा में नोट छापने के उपकरण और अवैध असलहे बरामद कर लिए। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया और पूछताछ में पता चला कि ये लोग बीते 1.5 सालों से नकली नोट छापकर मार्केट में भारी मात्रा में सर्कुलेट भी कर चुके हैं। राजगंज थाना क्षेत्र में एक गैंग पकड़ा गया है जो कि नकली नोट बनाता था और ये फर्जी नोट बना करके इसको मार्केट में भी चलाता था, और इससे इन्होंने जो अपना कबूल किया है कि मैहर देवी और वैष्णो माता तक ये नकली नोट के माध्यम से यात्रा कराए हैं और अपना खर्चा कराए हैं। तो आपने देखी उत्तर प्रदेश की खास खबरें, क्या कुछ उत्तर प्रदेश में चल रहा है। ठीक इसी तरह की बाकी खबरों के लिए और उत्तर प्रदेश की तमाम जानकारियों के लिए आप लगातार बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।